हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 रेडमी के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में दोस्तों, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यदि आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो 5 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में आप ज़रूर जान लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा दोस्तों, रेडमी के फ़ोन में आपको स्क्रीन शॉट लेने का तरीका बताऊँगा दोस्तों। आप अब जो है अपने रेडमी फ़ोन में किसी भी चीज़ का स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो हमारा जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। ये रहा हमारा पहला टिप्स एंड ट्रिक दोस्तों, और आपको फिर से करके दिखाता हूँ। 3 फिंगर से आपको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। तो इन दो तरीक़ों से आप अपने रेडमी फ़ोन में जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हो। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और जो है 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो इन दो तरीके से आप अपने रेडमी फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अब आपको दूसरे सेटिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यदि आपके मोबाइल में टास्क बैक इनेबल हो गया है और आप कहीं भी टच करते हैं तो हरे रंग का आइकन बनता है और मोबाइल से बोलने की आवाज़ आती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो है डबल प्रेस करना है, और जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए। लॉक खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। आपको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है डबल प्रेस करना है, और दाएं बाएं करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है, तभी मतलब आपका होगा। तो इस प्रकार से दाएं बाएं करके आप जो है सबसे सेटिंग वाले पे ऑप्शन पे चले जाना। सेटिंग पे एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, आप डबल प्रेस करोगे तो ये ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे आप एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, और डबल प्रेस करोगे तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल प्रेस करके इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक्सेबिलिटी पे एक बार क्लिक करना है, और एक बार जब क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, और डबल प्रेस करोगे तो ये जो है ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल प्रेस करके इसको ओके कर लेते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है जनरल, उसके बगल में लिखा हुआ है वर्जन, तो यहाँ पे वर्जन पर एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा, और जब डबल प्रेस करेंगे तो ये वर्जन वाले मेन्यू में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जो है टॉल बैक ऑप्शन मिल जाएगा, तो टॉल बैक पर एक बार क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे डबल प्रेस करके, उसके बाद इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज टॉल बैक यहाँ पे ऑन है, मतलब यहाँ पे इसको हमें ऑफ करना है, तो ऑफ करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, और स्टॉप पर डबल प्रेस करेंगे तो ये हमारा टॉल बैक यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको टॉल बैक को डिसेबल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका वॉल्यूम डाउन बटन और वॉल्यूम प्लस बटन दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे तो भी आपका टॉल बैक डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। तो इन दो तरीक़ों से आप अपने मोबाइल में रेडमी फ़ोन में जो है टॉल बैक डिसेबल कर सकते हो दोस्तों। अब आपको तीसरे ट्रिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तीसरा ट्रिक LCD कलर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यदि मान लीजिए आपका LCD कलर सेटिंग से चेंज हो गया है और आपका सब कुछ निगेटिव दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए। लॉक खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा है। आपको मैं यूट्यूब जो है ऑन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो भी मतलब इसमें आदमी है वो कैसे चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ निगेटिव दिखाई दे रहा है, तो चलिए आपको जो है यूट्यूब ऑन करके दिखाता हूँ, यूट्यूब चालू करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर सारे चित्र कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए यूट्यूब पर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सारा चित्र मतलब सब कुछ निगेटिव दिखाई दे रहा है, चित्र सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसके सेटिंग करने के लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हमें एडिशनल सेटिंग में जाना है, तो चलिए यहाँ पर हम एडिशनल सेटिंग लोड लेते हैं। उसके बाद हमें एडिशनल सेटिंग पर जब ओके करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए एडिशनल सेटिंग, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग को ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्सेबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ पे हमें एक्सेबिलिटी पे जो है ओके करना है, तो यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्जन पे हमें चला जाना है, वर्जन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा कलर इन्वर्जन का ऑप्शन। तो यहाँ पे कलर इन्वर्जन पे जो है यहाँ पे ऑन है, तो यहाँ से जाएंगे, उसके बाद यहाँ से इसको हम ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने जो है निगेटिव कलर को सही कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर से आपको यूट्यूब चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए सारे चित्र मतलब सही से दिखने लगे हैं, और आपको हम
चौथे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोमेटिक सेंसर। मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई भी फ़ोन करता है या आप किसी के पास फ़ोन करते हैं और आपका अचानक डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है और आपका फ़ोन चालू रहता है, डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है और जब तक फ़ोन नहीं करता है तब तक डिस्प्ले की लाइट नहीं जलती है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से ठीक होगी दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कॉल वाले पे ओके कर देना है। कॉल वाले पे जब ओके करोगे तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप ओके कीजिए। यहाँ पे हमारा प्रोमेटिक सेंसर ऑन है तो यहाँ से इसको हम ऑफ कर देंगे दोस्तों। अब ये हमारा सेंसर जो है सेटिंग से बंद हो गया है। अब आपके पास कोई भी फ़ोन करेगा या आप किसी के पास फ़ोन करोगे तो आपके डिस्प्ले की लाइट हमेशा जलती रहेगी दोस्तों, आपके डिस्प्ले की लाइट बंद नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है प्रोमेटिक सेंसर जो है सेटिंग कर सकते हो। आपके पास कोई भी फ़ोन करेगा तो आपकी डिस्प्ले की लाइट जलती रहेगी। और पहले क्या होता था, प्रोमेटिक सेंसर यदि आपका मान लीजिए ख़राब हो गया तो आपके पास कोई भी कॉल करेगा तो आप जो है डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है और जब तक नहीं जलती है जब तक आपका फ़ोन कट नहीं जाता है। ऐसा प्रॉब्लम सेंसर पे धूल गर्दा जमा होने के कारण भी हो सकता है दोस्तों। अब हम आपको पांचवें टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बैक बटन सेटिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लॉक खोल लीजिए। मान लीजिए आपका यहाँ नीचे से बैक बटन गायब हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है सेटिंग से, आप मान लीजिए बैक बटन गायब हो गया है तो इसे आप सेटिंग से ला भी सकते हो दोस्तों। आपको किस सेटिंग में जाना है दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम लाएँगे तो यहाँ पर हमारा बैक बटन नहीं आ रहा है, मतलब बैक बटन हमारा हाइड हो गया है। तो इसे बैक बटन लाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाना है। तो चलिए सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हमें थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना है दोस्तों एडिशनल सेटिंग में। तो यहाँ पे चलिए एडिशनल सेटिंग में जाते हैं। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, चलिए नीचे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल डिस्प्ले मतलब फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ ब्लू कलर में, इसको हम ओके करेंगे। जहाँ आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बटन का ऑप्शन और यहाँ पे सुगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बटन वाले पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो है नीचे यहाँ पे बटन आ जाएगा दोस्तों, और सुगेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बटन पर ओके कर देना है तो हमारा जो है बटन आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपने जो है बैक बटन जो हमारा हाइड हो गया था उसे ऊपर ला सकते हैं दोस्तों। अब आपको हम लास्ट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताएंगे जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया या आपके डिस्प्ले का लाइट अचानक चला गया है या आपका डिस्प्ले मतलब ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है या मान लीजिए आपका साउंड हैंग हो गया है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है, तब आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो हमारा जो है ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका अचानक फ़ोन टच काम करना बंद कर दिया तो आप इसको रिबूट कैसे करोगे, आप जब रिबूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका टच नहीं काम कर रहा तो आपका फ़ोन रिबूट नहीं होगा। मान लीजिए आपका डिस्प्ले का लाइट बंद हो गया है और आप इसे रिबूट करना चाहते हैं तो भी आप नहीं इसको रिबूट कर सकते हो। और मान लीजिए आपका सभी साउंड अचानक काम करना बंद कर दिया है, तीनों साउंड जैसे माइक स्पीकर रिंगर तीनों साउंड आपका अचानक काम करना बंद कर दिया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट कर लेना है दोस्तों। हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सही हो जाए। अगर जो आपका हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा, आपका मोबाइल हैंग हुआ होगा तो आपका 100% वर्क करेगा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।